हमारी बाली सुनते तो हमें बाली बनाना चाहते हो, हम बाली बन जाएंगे तो फिर इस मुल्क का हशर नशर हो। हमें बाली मत बनने दो, हमारी जुबान मत बदलो, ये ना हो कि हम कुछ और नारा लगाओ। ये हमारा हक है, ये हमारा मुल्क है, हम जा रहे अपने लीडर के पास, हमें रोकोगे तो हम बाली हो जाएंगे, हम इंतहा पे चले जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा। तुम हमें हमारा हक नहीं देते, हमारी बात नहीं सुनते, तुम हमें बागी बनाना चाहते हो, और अगर हम बागी बन गए तो इस मुल्क का हश्र नश्र कर देंगे। अब अपने मुल्क को हश्र नश्र, बर्बाद और तबाह कर देने की धमकी देने वाले ये जनाब कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ना ही ये भारत के एजेंट है, ना ही ये रॉ के मुलाजिम है। ये है पाकिस्तान के चार राज्यों में से एक राज्य खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीके के वजीर आला यानी मुख्यमंत्री। अब आप समझ सकते हैं, जब एक मुख्यमंत्री अपने देश को तबाह करने की धमकी दे रहा है तो पाकिस्तान की हालात, पाकिस्तान की जो इस वक्त की कैफियत है वो क्या है, इसके पीछे कारण असल में जो है, जिसके कारण परवेज खटक साहब जो ये वजीर आला हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल किसी भी जमहूरियत में ये जमहूर का जो आवाम है उसका ये हक होता है कि वो धरना प्रदर्शन या बंद करे। तो जनाब परवेज खटक साहब केपीके के मुख्यमंत्री जो हैं, ये जिस पार्टी के नुमाइंदे हैं, कारकुन हैं, कार्यकर्ता हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, ये इमरान खान साहब की पार्टी है। अब चूंकि पीटीआई समेत तमाम विपक्षी दल इस समय प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का विरोध कर रहे हैं, चूंकि उनका नाम पनामा लीक के पेपर्स में आ चुका है, इन्होंने ऐलान किया पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने, परवेज खटक साहब ने, कि वो इस्लामाबाद बंद कराने के लिए वहां प्रदर्शन करने आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से पंजाबी लॉबी जो है वो, चाहे आर्मी हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे चारों स्टेट्स हो, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या सिंध, सब पर हावी है। तो ये पंजाबी पुलिस को, आर्मी को और नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं आया कि एक पख्तून लीडर, भले ही वो पीटीआई का मेंबर हो या पाकिस्तान का नागरिक हो, वो कैसे आए। जब वो 2 नवंबर को एहतजाज था, ये प्रदर्शन था, जब वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे शहर में, तब उन पर टीयर गैस शेल्स फोड़े गए, उनके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, जिसके नतीजे में आकर परवेज खटक साहब को ये ऐलान करना पड़ा कि वो पाकिस्तान का हश्र नश्र कर देंगे। अब अगर पाकिस्तान के चुने हुए नुमाइंदे को अगर एक दूसरे राज्य, एक तो आपके पास सिर्फ चार राज्य हैं, उन चार में से एक राज्य में घुसने पर अगर एक सीएम के हाल है, तो एक आम जनता का क्या हाल होता होगा। वो पख्तून जो है वो पंजाब नहीं आ सकते, पंजाबी बलूच नहीं जा सकते, बलूचिस्तान बलूच जो है वो केपीके या पंजाब या सिंध नहीं आ सकते। समझा जा सकता है कि पाकिस्तान आप किस कदर टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद कश्मीर और पंजाब की है। दूसरी बात एक और, जिस तरीके से हमारे यहाँ भटका हुआ एक नौजवान कश्मीर का जो है बुरहान वानी, वो सिर्फ कुछ लोगों की आवाज है, पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे सूबे की नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको कहते हो कि वो कश्मीर की आवाज है बुरहान वानी, जबकि वो चंद भटके हुए नौजवानों में से एक है। तो अगर आप उसे पूरे कश्मीर की आवाज कहते हो, तो आपका जो ये मुख्यमंत्री है परवेज खटक साहब, तो हम मान लेते हैं कि पूरा आपका जो एक प्रदेश है वो आपका, आप ही के देश को बर्बाद करने की बात कर रहा है, आपके देश को बर्बाद करने की बात कर रहा है। लेकिन जनाब हम हकीकत समझते हैं, हम जानते हैं कि परवेज खटक जो आपके सीएम है, ये उनकी आवाज थी, हो सकता है ये पूरे पख्तूनख्वा की आवाज नहीं हो, जबकि सच्चाई यही है कि ये पख्तूनख्वा की आवाज है। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि आप हमारे ऊपर इस तरीके से बात करते हैं कि हमारा कश्मीर से किसी बुरहान वानी, जो कि बेचारा भटका हुआ मासूम बच्चा था, उसे आप पूरे पाकिस्तानी, उसे आप पूरी कश्मीरी आवाम का नुमाइंदा बनाते हैं, तो ये गलत है। आप अपने खुद के कपड़े में देखिए कितने पैबंद लगे हैं, कितने दाग लगे हैं। देखते रहिए हमें, हम हर बार आपके सामने पाकिस्तान की असलियत, पाकिस्तान की रियलिटी सामने लेके आएंगे। सब्सक्राइब कीजिए कमेंट्री ऑन पाकिस्तान को। तब तक के लिए जय हिंद, जिए पाकिस्तान।